Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. Today we are here with the new topic, that is impaction. मैं यहाँ पर हिंदी भी यूज़ करूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है पूरा इंग्लिश, तो आई विल यूज लिटिल बिट हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो. So today we are going to learn about the impaction. What is impaction? An impacted tooth. First we are going to see the definition of impaction. What is impaction? Impacted tooth is one that is partially erupted or that is impacted tooth वो होते हैं जो partially आधा half में erupted होते हैं, या फिर वो erupt ही नहीं होते हैं, वो occlusion में आते ही नहीं है. It is partially erupted or it is unerupted. That is, it is not coming in the occlusion. Beyond the chronological date of eruption. Beyond the chronological date means the chronological date, the date of eruption which is given, leaving that it is not erupting at that time. मतलब वो जो date आपकी fix की गई है eruption की, हर टूथ के लिए जो इम्पैक्टेड टूथ होते हैं वो अलग ही दिन पे आते हैं, वो कोई फिक्स डेट पे नहीं आते हैं, वो डेट के आगे ही चले जाते हैं, ठीक है. एंड विल नॉट इवेंचुअली अज्यूम अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद द अदर टीथ और टिश्यू. दैट इज, इट इज नॉट गोइंग टू शो द नॉर्मल रिलेशनशिप. नॉर्मल ऑक्लूजन इज नॉट सीन. इफ दिस इज द ऑक्लूजन ऑफ द टूथ, इट इज नॉट गोइंग टू reach the occlusion of the teeth. It is not going to reach the occlusion of the teeth or the tissue. That is, मतलब यहाँ पर ये occlusion में कभी teeth आते ही नहीं है. Normal relationship जो होता है other teeth का, उनके बराबरी में और tissue में ये नहीं आते हैं, ठीक है. ये definition है impaction की. So hope you are understanding this. Now you are going to see the types of impaction. What are the types? The first one is complete impacted. Complete impacted means पूरा का पूरा दांत जो impacted है, कहाँ पर वो, उसके ऊपर कौन सी covering है, soft tissue और bone की. आप लोग picture में देख सकते हैं, as you can see in the picture, it is covered with soft tissue and the bone and it is lying within the bony alveolus. Okay? ये bone के अंदर present है और ये अभी तक आया नहीं है. और जो मैंने बताया था क्रोनोलॉजिकल डेट ऑफ इरप्शन से ये बियॉन्ड चला जाता है, जैसे अपने डेट को ये क्रॉस कर जाता है और फिर भी ये नहीं आता, ठीक है. ये है कंप्लीट इम्पैक्टेड. आता है लेकिन ये ऑक्लूजन में नहीं आता है. ओके, ऑक्लूजन में ये इस लाइन में नहीं आता है, इसको बोलते हैं कंप्लीटली इम्पैक्टेड. Now partially impacted. Partially impacted is that is it is failed to come in the normal occlusion. That is like this. The little bit you are going to see the tooth in the occlusion and the rest of the tooth is in the alveolar bone. That is, thoda sa tooth ka cusp aapko dikhega. Partially erupted means partially means half, aadha aadha. So ye kuch पोस्ट ऑक्लूजन में दिखेगा और बाकी का जो पार्ट है रूट से आपकी क्लोज्ड. एनकलोज्ड टीथ मींस हियर द सीमेंटम ऑफ द टूथ इज बिटवीन. क्या होता है यहाँ पे, जो सीमेंटम होता है आपका वो आपकी उससे अटैच हो जाता है, उससे फ्यूज हो जाता है, उसे कहते हैं एनकलोज्ड इंपैक्शन. यहाँ पर पेरिओडोंटल सॉफ्ट टिश्यू नहीं रहती है बीच में. डायरेक्टली सीमेंटम जो है वो बोन से फ्यूज रहता है इन एंकालोस टीथ. ओके, अनइरप्टेड टूथ. अनइरप्टेड टूथ मींस ये जो टूथ है आपका ये ऑक्लूजन में नहीं रहेगा और ये परफोरेट नहीं करेगा आपके ओरल म्यूकोजा को. ओरल म्यूकोजा को दैट मींस वही
कि ये ऑक्लूजन में नहीं आएगा बट ये प्रेजेंट रहेगा। कहाँ रहेगा? प्रेजेंट बोन के एकदम रैमस में या एकदम पीछे रहेगा। ये ओपीजी से ही आपको दिखेगा। ऑक्लूजन में आपको ऐसा फील होगा कि वहां पर तुथी नहीं है, लेकिन पेन जब होगा तब तो पता चलेगा कि ये ऐसा तुथ है। कभी कभी तो पेन भी नहीं होता है अनइरप्टेड तुथ में। इस तरीके से वो बोन में जाके बैठा रहता है जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि वहां पे तुथ भी प्रेजेंट है आपका, और एक एक और दांत आपके पास है भी। तो ये है अनइरप्टेड टूथ। ओके, इट इज प्रेजेंट इन दी बोन रीजन। माल अपोज्ड, माल अपोज्ड मीन्स योर इरप्टेड, इट यू कैन से माल अपोज्ड मीन्स द टूथ इज प्रेजेंट इफ दिस इज द टूथ एंड देयर इज अ टूथ आल्सो प्रेजेंट ऑन दिस। माल अपोज्ड दैट इज वन अपॉन अनदर। इफ दिस इज प्रेजेंट दिस बॉक्स एंड ऑन दैट यू आर प्लेसिंग अनदर बॉक्स लाइक दिस, टूथ अपॉन टूथ माल अपोज्ड एंड विदाउट पोजिशन। माल पोजिशन, पोज मीन्स पोजिशन, विदाउट हैविंग एनी पोजिशन और विदाउट हैविंग एनी रीजन द टूथ इज प्रेजेंट। बिना कोई लोकेशन के ये टूथ प्रेजेंट रहता है, या फिर एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहेगा या कहीं और ही डायरेक्शन में जाएगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं ये माल अपोज टूथ। ये इसी इसको भी बोलते हैं इम्पैक्शन। अगर टूथ आपका किसी और डायरेक्शन में जा रहा है बिना वो लोकेशन प्रेजेंट हुए तो ये इम्पैक्शन है। एक्टॉपिक और डिस्प्लेस्ड टीथ। एक्टॉपिक मीन्स वही माल माल पोजीशन रहेगा, और डिस्प्लेस्ड टीथ मीन्स कोई और जगह पे रहेगा, उस जगह पे ना होके। ये किसके वजह से होता है? कंजनाइटल की। कंजनाइटल अगर आपको फैक्टर्स हैं, अगर बेबी को कंजनाइटल डिजीज है उसकी वजह से टूथ का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर पैथोलॉजी प्रेजेंट है इसके वजह से भी टूथ का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सो कम्प्लीटली इम्पैक्टेड दैट इज इट इज इम्पैक्टेड कम्प्लीटली यू आर नॉट गोइंग टू सी द टूथ। पार्शली इम्पैक्टेड यू आर गोइंग टू सी सम ऑफ द पार्ट ऑफ द टूथ बट रेस्ट ऑफ द पार्ट इज इन द एल्वेलर बोन। एनकाइलोज्ड मीन्स योर द सीमेंटम इज अटैच और फ्यूज विद द बोन विदाउट हैविंग एनी पेरिडोंटल सॉफ्ट टिश्यू इन बिटवीन। एंड अनइरप्टेड मीन्स इट इज नॉट इरप्टेड। माल अपोज मीन्स द टूथ इज समवेयर प्लेस्ड इन दी पोजिशन वेयर यू हैव नॉट गेस्ड इट। ओके, समवेयर इन दी रीजन वेयर यू कैन नॉट गेस दैट देयर मे बी अ टूथ प्रेजेंट। डिस्प्लेस्ड टीथ और एक्टोपिक टीथ मीन्स ड्यू टू द पैथोलॉजी और कंजनाइटल फैक्टर्स द बेबी इज हैविंग अ टूथ दैट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पोजिशन एंड इट इज ग्रोइंग समवेयर इन द डिफरेंट direction and position. So these are the types of the impaction. Hope you are understanding this video. If you like the video, please subscribe and hit the bell icon for the latest upcoming videos. And please share this video to your friends and your batchmates for easy learning and better understanding. Keep watching Pine Industry. Now we are going to see the causes of impaction. How the impaction is caused. What are the main reason? There are two types of reason, local and systemic. What factors we see and why the impaction is causing. Talking about the etiology in impaction, ये कैसे इसका होता है, impaction कैसे occur होता है? इसके दो causes है, local और systemic. ये listing जो हुई है ये किसने दिया था? Berger ने. Berger ने listing किया था local और systemic causes. तो देखेंगे हम लोग लोकल कॉज कौन से होते हैं। लोकल कॉज ये होते हैं इररेगुलरिटी इन द पोजीशन। लोकल कॉज क्यों? क्योंकि ये जो पोजीशन, लोकेशन या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई प्रेशर लग रहा है टीथ के वजह से, इसको लोकल कॉज बोलेंगे। और सिस्टमिक कॉज वो होता है किसी पर्टिकुलर डिजीज के वजह से आपका इम्पैक्शन क्रिएट हो रहा है आपके ओरल कैविटी में, उसको बोलेंगे सिस्टमिक कॉज। इररेगुलरिटी इन पोजीशन एंड प्रेशर
ऑफ एन एडजेसेंट टूथ, मतलब कोई भी इररेगुलरिटी रहेगी. इररेगुलरिटी मीन्स कोई भी पोजीशन में अगर सिमिलर पोजीशन नहीं रहा उसकी वजह से, या कोई ज़्यादा प्रेशर लग रहा है कोई एडजेसेंट टूथ मतलब कोई टूथ पे, उसके वजह से इम्पैक्शन होगा. जैसे कि ये टूथ है, ये टूथ इसकी रूट इस एडजेसेंट टूथ को, जैसे कि यहाँ पर एक टूथ निकल रहा है नीचे से ग्रो हो रहा है, तो इसकी जो रूट है ये प्रेशर लगाएगी एडजेसेंट एट टूथ पे, इसको ऊपर आने से एडजेसेंट फोर्स लगाएगी के, ये इसको बाहर नहीं आने देगी, ये ऑक्लूजन में इसको आने नहीं देगा इसका रूट, तो ये प्रेशर है. और पोजीशन इरेगुलरिटी रहेगी, जैसे पोजीशन इसकी ये इसको प्लेस होना चाहिए था आगे थोड़ा, और ये प्लेस हो गया है थोड़ा पीछे, इसलिए ये फोर्स कर रहा है और इसकी रूट की पोजीशन पीछे आ गई है, डिस्टली टिल्टेड है. अगर ये ऐसे सीधा रहता, इसकी रूट अगर स्ट्रेट रहती तो ये तो आराम से ऊपर आ जाता. तो इरेगुलरिटी इन पोजीशन एंड प्रेशर. डेंसिटी ऑफ ओवरलाइनिंग सराउंडिंग बोन, बोन डेंसिटी मतलब ये बोन, ये जो बोन में से ये आ रहा है ऊपर, और इसकी सराउंडिंग बोनी स्ट्रक्चर ये कैसी है, मतलब अगर बहुत हार्ड बोन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी तो इसको डिजॉल्व होने में कम मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये तुत जो है ये अंदर ही रह जाएगा. अगर ये रैमस में है आपके, ये रैमस है ओके तुत का, मैगजिल मैंडिबल का, तो ये अगर बोन में यहाँ पर तुत प्रेजेंट है और ये इस बोन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी आप समझ सकते हैं कि पार्टिकल्स जो अंदर प्रेजेंट है बोन के अंदर के पार्टिकल्स, वो बहुत क्लोज्ड है, इसको बोलते हैं डेंसिटी. तो इसको रिजॉल्व होने में बहुत टाइम लगेगा और ये टूथ अंदर ही अटक जाएगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, इम्पैक्टेड टूथ. तो डेंसिटी ओवरलाइनिंग या फिर सराउंडिंग उसके आजू बाजू की बोन. लैक ऑफ स्पेस, अगर आपका आर्च, अगर ये ऑक्लूजन आर्च है, ये यहाँ पे सारे टीथ आ गए पूरे, इस साइड सेवन इस साइड सेवन, अब 8 मोलर को आने में 21 ईयर्स में आने वाला है ये, लेकिन यहाँ पे स्पेस ही नहीं है, ये यहाँ तक पूरा डेंटिशन आपका कंप्लीट हो गया है, अब स्पेस ही नहीं बची है, तो ये कहाँ आएगा, तो ये कहीं इसके आजू बाजू में कहीं भी अगर ग्रो होने वाला रहेगा तो कहीं भी ये निकल आ जाएगा, या फिर ये रैमस के अंदर ही निकल जाएगा, यहाँ पे अटक जाएगा, तो उसको बोलते हैं इम्पैक्शन. लैक ऑफ स्पेस, स्पेस नहीं होगी तो लोकलाइज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. लोकलाइज क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, अगर यहाँ पे ये टीथ हैं, यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन कॉज हो गया और यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका वो इंक्रीज हो गया, तो उसके वजह से जो ये टूथ है ये ऊपर आने में हिंडर करेगा, इस टूथ को ये ऊपर आने में हिंडर करेगा और ये बाहर नहीं आ पाएगा, इसके वजह से यहाँ पे क्या हो गया, इम्पैक्टेड टूथ क्रिएट हो गया. इसके वजह से इंक्रीज इन दी डेंसिटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, इंक्रीज इन दी डेंसिटी मीन्स म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लेयर्स है और पार्टिकल्स है यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, उसके वजह से ये टूथ बाहर नहीं आ पाएगा. ओवर रिटेन डेसिडस टीथ, ओवर रिटेन मीन्स डेसिडस टीथ ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे, उसके वजह से न्यू टूथ जो आने वाला है वो नहीं आएगा, ये डेसिडस टूथ हिंडर करेगा, प्री मेच्योर लॉस ऑफ दी डेसिडस टूथ. अगर पहले ही लॉस हो गया है टूथ का, वहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगी और वो स्पेस एग्जैक्ट टूथ को ग्रो होने के लिए नहीं मिलेगी, मतलब ये स्पेस यहाँ से यहाँ पे टूथ था, यहाँ पे टूथ था, ये पहले ही हट गया यहाँ से, अब ये स्पेस इतनी क्रिएट हो गई, अब टूथ को नहीं पता चल रहा है कि वो यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा. ठीक, तो ये है प्री मैच्योर लॉस ऑफ द डेसिडस, पहले ही मैच्योर होने से पहले ही डेसिडस थी लॉस हो गया, और इसके वजह से ये भी होता है कि पहले ही लॉस हो गया तो यहाँ पे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बढ़ जाएगी और जो नीचे के टूथ आने वाले हैं वो नहीं आ पाएंगे, वो इस टूथ को, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को डिजॉल्व नहीं कर पाएंगे और वो ऊपर नहीं आ पाएंगे.
डायलेसरेशन मीन्स यार कि यहाँ पर जो रूट है, ये रूट है, ये क्राउन है, ये जो रूट है यहाँ पे एकदम शार्प बेंड रहेगा, इसको बोलते हैं डायलेसरेशन, बिकॉज ऑफ द फोर्स। और ये कोई अगर फोर्स लगा रहेगा तो उसकी वजह से ये लेसरेशन, एक शार्प बेंडिंग दिखाई देता है रूट में, वो डायलेसरेशन है। इसके वजह से इंपैक्शन हो जाता है, मतलब ये अटक जाता है तुत अंदर ही। अगर ये बेंड आ गया तो ये तुत ऊपर नहीं ग्रो करेगा। ओके, एक्वायर्ड डिजीज नेक्रोसिस ड्यू टू इन्फेक्शन एब्सिस। कोई डिजीज हो गई है जिसके वजह से नेक्रोसिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है या एब्सिस हो गया है। अगर डिजीज है, नेक्रोसिस है, इन्फेक्शन है, एब्सिस है, उसके वजह से भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है। एक्टोपिक पोजीशन ऑफ द तुत्बत। एक्टोपिक पोजीशन मींस तुत्बत की जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है तुत्बत की हमारे, वो पोजीशन चेंज होके कहीं और ही, एक्टोपिक मीन वो कहीं और ही ग्रो होने लगती है, उसकी वजह से इंफेक्शन हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी चेंज इन बोन ड्यू टू द एग्जिमेंटस डिजीज इन चिल्ड्रन। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाएंगे बोन में किसकी वजह से, एग्जिमेंटस डिजीजेस। एग्जिमेंटस डिजीजेस मतलब वायरल डिजीज, वायरल डिजीज जैसे मीजल हो गया या मम्स हो गया, उसकी वजह से चाइल्डहुड में अगर बच्चे को हो गया है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया लोकलाइज क्रोनिक इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से इंफेक्शन हो जाता है, वही सेम चीज़ यहाँ होगी वायरल फीवर की वजह से, वायरल डिजीज की वजह से चाइल्डहुड में। तो ये था लोकल कॉज। अभी हम देखेंगे सिस्टमिक कॉज। इन सिस्टमिक कॉजेस इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री टाइप्स, दैट इज ए बी सी। ए इज प्री नेटल, दैट इज ड्यूरिंग दी बर्थ स्टेज, ड्यूरिंग दी व्हेन द बेबी इज डेवलपिंग इन दी वूम ऑफ द मदर, दैट इज प्री नेटल। पोस्ट नेटल इज आफ्टर द बर्थ, दैट इज ही हैज टेकन और शी हैज टेकन दी बर्थ, एंड इन रेयर कंडीशन इन प्री नेटल। प्री नेटल में बेबी जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है, वो तब उसे प्री नेटल बोलते हैं। पोस्ट नेटल मीन्स जब बेबी पैदा हो जाता है, बॉर्न, वो अपना पैदा हो जाता है, बॉर्न कर लेता है। और रेयर कंडीशन में मीन्स एक सेपरेट कंडीशंस होती है रेयर जो होती हैं। प्रीनेटल में होता है हेरिडिटरी और मिसकंसेप्शन। हेरिडिटरी मीन्स कि आपके एंसेस्टर्स को होगा, जैसे आपके दादा परदादा इनको होगा, उसके वजह से आपको भी हो सकता है इम्पैक्शन। मिसकंसेप्शन ये होगा कि कोई मिसलीडिंग होगा, बिना कोई कॉन्सेप्ट के आपका इम्पैक्शन हो रहा है, अकर हो रहा है, उसके वजह से। पोस्टल में रैकेट्स बीमारी होती है, रैकेट्स डिजीज की वजह से होता है, विटामिन डी की जब कमी होगी उसकी वजह से इम्पैक्शन हो सकता है। इम्पैक्शन के केसेस आ सकते हैं, जैसे कोई भी उसकी वजह से इम्पैक्शन होगा। एनेमिया, अगर ब्लड कम है पेशेंट में तो उसकी वजह से कंजेनाइटल सिफेलिस, अगर सिफेलिस उसको हुआ है उसकी वजह से। माल न्यूट्रिशन, अगर पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा रहा है, उसको डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन्स और मिनरल्स की, उसके वजह से इंफेक्शन हो सकता है। एंडोक्राइन डिसफंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ फेज आपका अच्छे से नहीं हो रहा है। ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम टीबी बोलते हैं, उसकी वजह से इंफेक्शन होगा। रेयर केसेस ये हैं कि ऑस्टियोपेट्रोसिस, इसमें जो बोन की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और यहाँ पे बोन फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस पेट्रोसिस में। ये एक रेयर केस है। क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पे पैलेट जो है वो फॉर्म नहीं होगा अच्छे से, उसकी वजह से टीथ इंफेक्शन के केसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट अगर नहीं बनाया है तो उसके जो बड्स हैं टीथ के वो उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। ओके, उसकी वजह से पैलेट का जब पोजीशन चेंज हो जाएगा, अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, तो इंफेक्शन के केस हो सकते हैं। क्लीडोक्रेनियल डिस्ट्रोसिस, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होती है पेशेंट की, वो बहुत सारी एब्सेंट होती है,
ये एक डिजीज है, इसमें छोटी छोटी बोन बॉडी के पार्ट की एब्सेंट होती है, और जो मोस्ट कॉमन बोन एब्सेंट होती है वो है कॉलर बोन, जो कॉलर पे हमारे रहती है। तो उसके वजह से भी, इस डिजीज के वजह से भी इंफेक्शन के केसेस हो सकते हैं। ऑक्सीसिफेलिक, इस डिजीज में क्या होता है कि जो सूचर्स होते हैं हमारे वो जल्दी क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि कोरोनल सूचर हो गया या लैम्डोइड सूचर हो गया, वो क्लोज हो जाते हैं स्कल के, और उसके वजह से जो स्कल है वो पॉइंटेड हो जाता है। इस डिजीज के वजह से भी इंफेक्शन क्रिएट हो जाता है। एरिया, ये डिजीज होती है चिल्ड्रंस में, ये बहुत स्लो ग्रोइंग फेज होता है, इसमें जो बेबी या चाइल्ड ग्रो होता है उसका ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है और हेयर लॉस 1-2 साल में दिखने लगते हैं। तो उस डिजीज़ की वजह से भी, ये सब रेयर केस हैं, इनमें भी इन्फेक्शन पाया गया है, इसलिए ये सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो ये है सिस्टमिक डिजीज़ की कॉजेज। अब हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ इन्फेक्शन जो हम लोग को मिलता है। जो सबसे पहला इन्फेक्शन, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हमको मिलता है, वो मैंडिबुलर थर्ड मोलर है। मैंडिबल मीन्स नीचे का थर्ड मोलर, फिर मैक्सिला थर्ड मोलर ऊपर का थर्ड मोलर, ये सेकेंड केस है, सेकेंड पे आता है ये। फिर थर्ड मोस्ट कॉमन है मैक्सिला कस्पिड, कस्पिड मीन्स केनाइन, मैक्सिला की ऊपर की केनाइन, फिर मैंडिबल बाई कस्पिड नीचे का प्री मोलर्स। बाई कस्पिड मीन्स दो कस्प जिसमें होते हैं वो प्री मोलर्स होते हैं, तो बाई कस्पिड। मैंडिबल का कस्पिड फिफ्थ नंबर पे आता है, मैक्सिला का बाइकस्पिड, फिर लास्ट में कौन आते हैं, मैक्सिलरी ऊपर के सेंट्रल इंसाइजर और ऊपर के लेटरल इंसाइजर। इसको लर्न करने का ट्रिक ये हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि आप अपना माउथ ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट जो आता है लर्न करने के लिए ये है कि फर्स्ट नीचे के थर्ड मोलर को आप टच करिए अपने टंग से, तो ये फर्स्ट है मैंडिबल थर्ड मोलर। फिर आप मैंडिबल से ऊपर जाइए, ऊपर के थर्ड मोलर को टच करिए, ये सेकंड केस है, पहला नीचे का फिर ऊपर का, मैंडिबल देन मैक्सिला। फिर आप ऊपर ही रहेंगे टंग को अपने लेके, मैक्सिला कस्पिड केनाइन, आप अपने केनाइन को टच करेंगे, ये थर्ड केस है। ऊपर दो हो गए मैक्सिला के, दो हो गए थर्ड मोलर और कस्पिड दो हो गए, ठीक है ऊपर। अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो नीचे भी दो हम लोगों का करने हैं, ऊपर हमने दो कर लिए, अब नीचे के दो करने हैं। नीचे के दो कौन है, मैंडिबल का बाइकस्पिड, अब हम लोग आएंगे प्री मोलर पे, और मैंडिबल का कस्पिड, दोनों बाइकस्पिड और कस्पिड दोनों रहेंगे। नीचे के दो हो गए, अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, जो हमारा बाइकस्पिड छूटा था, ऊपर का तो कस्पिड कंप्लीट हो गया था, फिर बाइकस्पिड छूट गया था, तो बाइकस्पिड ऊपर का, मैक्सिला का, फिर मैक्सिला के जो बचे हुए हैं सेंट्रल इंसाइजर आएगा, उसके बाद लेटरल इंसाइजर आएगा। ये ट्रिक है, ये सीक्वेंस है कि इस रेंज में इंफेक्शन हमारा अकर होता है। सबसे पहला क्या है, नीचे थर्ड मोलर, फिर ऊपर का थर्ड मोलर, फिर ऊपर ही हम लोग रहेंगे कस्पिड केनाइन, फिर नीचे आएंगे बाइकस्पिड और केनाइन दोनों रहेगा। फिर जब ये दोनों हो गए तो ऊपर का बाइकस्पिड हमारा बाकी है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर ऊपर ही रहेंगे सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो ये सीक्वेंस है, होप आपको समझ में आ रहा होगा।